बॉलीवुड अभिनेत्री और महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन पांचवी बार राज्यसभा जा रही है। वो बीते चार बार से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद है और इस पार्टी से फिर राज्यसभा पहुंचेंगी। फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाली जया बच्चन की संपत्ति की बात करें तो वे करोड़ों की मालकिन है। उनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से नॉमिनेशन के दौरान 13 फरवरी 2024 को जया बच्चन ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया है उसमें अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में बताया है। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक 75 वर्षीय जया बच्चन और पति अमिताभ बच्चन के पास कुल 1578 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों की कमाई का जिक्र किया गया है। इस पर नजर डाले तो इस अवधि में जया बच्चन की कमाई 1,63,56,190 रुपए रही, जबकि अमिताभ बच्चन ने 273,74,96,590 रुपए अपनी नेटवर्थ में जोड़े हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक जया बच्चन के पास 57,507 रुपए कैश और 10,11,33,172 रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा है। वहीं पति अमिताभ बच्चन के पास 12,75,446 रुपए कैश और 120,45,62,083 रुपए का बैंक डिपॉजिट है। जया बच्चन के द्वारा किए गए निवेश के बारे में बात करें तो शेयर बॉन्ड और डिबेंचर में उन्होंने 5,18,97,928 रुपए लगाए हैं, जबकि इनमें अमिताभ बच्चन का निवेश 182,42,29,464 करोड़ रुपए है। एफिडेविट की देखें तो बच्चन दंपति ने NSS पोस्टल सेविंग या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई पैसा नहीं लगाया है। अभिनेत्री और चार बार की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन के पास 9 लाख रुपए के वाहन है, जबकि अमिताभ बच्चन का कार कलेक्शन करीब 17 करोड़ रुपए का है। ज्वेलरी की बात करें तो जया बच्चन के पास 40 करोड़ रुपए के गहने हैं। उनके पति के पास मौजूद ज्वेलरी की कीमत 54 करोड़ रुपए है। एफिडेविट के मुताबिक दंपत्ति के पास कुल संपत्ति में से 849.11 करोड़ की चल अचल संपत्ति है, जबकि दोनों के पास 729.77 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। बच्चन परिवार की लग्जरी लाइफस्टाइल का अंदाजा उनकी संपत्ति से आसानी से लगाया जा सकता है। महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली जया बच्चन और उनके पति अमिताभ बच्चन ने अपना अभिनय के दम पर एक अलग मुकाम पाया है। दोनों की संपत्ति के स्रोतों की बात करें तो जया बच्चन की संपत्ति में उनके सांसद वेतन और एक्टिंग के जरिए हुई कमाई शामिल है। वहीं अमिताभ बच्चन को फिल्मों, ब्याज, किराए, लाभांश, पूंजीगत लाभ और एक सोलर प्लांट से मिलने वाले रेवेन्यू से आय होती है। बता दें दोनों के पास करोड़ों रुपए की घर और जमीन भी है।